एक गांव में गोविंद नाम का टमाटर का व्यापारी रहता था। वो रोज अपने ठेले गाड़ी पर टमाटर बेचते हुए अपना जीवन गुजारता था। टमाटर बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पेट पालता था। टमाटर ले लो बाबू, ताजे ताजे टमाटर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आओ बाबू आओ, टमाटर वाला खुद आपके पास लेकर आया है ताजा लाल टमाटर, गोविंद पुकारता रहता है। दो तीन पुरुष टोकरी लेकर ठेले के पास आकर टमाटर लेने भी लगते हैं। आओ साहब आओ, ताजा ताजा टमाटर सब ले ले और खत्म हो जाए तो मुझे नहीं मालूम। टमाटर लेने आए तीन लोगों में से रमणा उससे पूछता है, क्यों भाई गोविंद, जब कोई सब्जी या और कोई चीज बेचता है तो अम्मा या दीदी आओ सस्ते में लूट लो कहकर पुकारता है, पर तुम आओ बाबू आओ साहब ये कहकर पुकार रहे हो, ऐसा क्यों भाई, ये तो बता दो जरा, आजकल घरों में औरतें कहाँ खाना बना रही हैं साहब, थोड़ा या बहुत जो भी है हम ही बनाते हैं, इसलिए मैंने पुकारने का तरीका बदल लिया। मतलब तुम भी घर जाने के बाद खाना बनाते हो क्या, अब बनाना तो पड़ता ही है। ये सुनकर टमाटर खरीदने वाले तीनों आदमी हंसने लगे। टमाटर बेचते हुए उसने अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दी और अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। अब उसकी जिम्मेवारी अपनी पत्नी शारदा की देखभाल करना और उसकी पैरालिसिस की बीमारी का इलाज करवाना था। अस्पताल में अपनी पत्नी शारदा को देखने आता है। शारदा कुछ खाया कि नहीं, अब तबीयत कैसी है, इस तरह बात कर रहा होता है कि तभी दो तीन दिन में बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख तुरंत भरने पड़ेंगे, इंतजाम कर लो। मैं गरीब आदमी हूँ डॉक्टर, मैंने घर द्वार खेत सब बेचकर ये पैसे भरे थे, तुम पहचान के हो इसलिए मैंने तुम्हें मोहलत दे दी है, पत्नी को बचाना चाहते हो तो ये जरूरी है, वरना सोच लो। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। गोविंद तुरंत बेटे को फोन करके सारी बात बताता है। वो दोस्त से पूछकर देखता हूँ ऐसा कहता है। घर आकर गोविंद अपनी गरीबी के बारे में सोचकर दुखी होता रहता है। गोविंद को पैसों की जरूरत है ये बात पेड़ काटकर लकड़ी बेचने वाले दामोदर को पता चलती है। दामोदर गोविंद के पास आता है। जिस पेड़ को बचाने के लिए तुम केस करके कोर्ट में जीते थे, वो पेड़ जो गांव के बीचों बीच है उसे अब काटो, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 लाख दे दूंगा तुमको। इस बात को सुनकर गोविंद कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आता है। उसे काटने की सोचता है पर उसका मन नहीं मानता, रोने लगता है। तब पेड़ उससे बात करता है, मुझे काट कर तुम अपनी पत्नी को बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे बचाने के लिए अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं की। ऐसा कहकर पेड़ उसे जादुई जायंट टमाटर वाली मोटरबाइक देता है। ये एक जादुई जायंट टोमेटो मोटरसाइकिल है, इसमें से पहले सोना निकलेगा फिर रुपए, उस सोना और रुपए से तुम्हारी पत्नी का इलाज करवा कर बाद में जो टमाटर निकलेंगे उन्हें बेचकर उन रुपयों से पत्नी के साथ खुशी से रहना। पेड़ ऐसा कहता है। गोविंद जब जादू वाली टमाटर की मोटरसाइकिल पर जाता तो सब आश्चर्य से देखते। गोविंद जादुई बाइक लेकर घर आता है। वहाँ उसे टमाटर बाइक सोना देती है। वो सोना एक थैले में हिफाजत से रख देता है। बाद में टमाटर वाली वही बाइक उसे रुपए भी देती है जिन्हें लेकर वो अस्पताल में देकर अपनी पत्नी का इलाज भी करवाता है। फिर उस जादुई मोटरसाइकिल के दिए टमाटर बेचकर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीने लगता है। मियापुर गांव के पास एक घना जंगल है। वहाँ एक सूखे पेड़ के तने में तनरंग नाम का एक लिलीपुट हुआ करता था जो वहाँ सुख से रह रहा था। वाह, इससे ज्यादा खुश रहने के लिए और क्या चाहिए, मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, फल और पानी आसानी से मिल जाता है। वो इस तरह वहाँ बड़ा खुशहाल था। एक दिन जब वो खाने के लिए कुछ जड़े जमा करके घर लौट रहा था
उसने वहाँ विलास नाम के एक आदमी को बैठकर रोते देखा। मुझे माफ कर दो राधा, हमारे जीवन की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं इनका लगातार सामना कर सकूं इतना बहादुर नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों और उनकी जिम्मेदारी को तुम पर छोड़ रहा हूँ। और मैं यहाँ इस जंगल में एक निर्लज्ज डरपोक व्यक्ति की मानिंद खुद को मारने आया हूँ। ये देखकर लिलीपुट बोला, हेलो। उसकी आवाज सुनकर विलास चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने जहाँ भी देखा उसे केवल पेड़ और चट्टाने ही दिखी। तुम कौन हो? नीचे देखो, मैं नीचे हूँ, यहाँ इधर। ये सुनकर विलास ने नीचे की ओर देखा, उसे वहाँ एक नन्ना सा इंसान दिखाई दिया। विलास चकित रह गया। कौन हो तुम? मैं लिलीपुट हूँ, मेरा नाम तनरंग है। मैं जंगल में मिलने वाले फलों और जड़ों को खाकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा है, ये तो तुम्हारे मेरी तरह बीवी और बच्चे नहीं है, कुवारे जीवन का आनंद ले रहे हो। कहाँ रहते हो? वहाँ उस पेड़ के तने में, मैं वहीं रहता हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया, तुम भी बताओ ना अपने बारे में कुछ। बताओ। क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह खुशहाल नहीं। मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ और आंसू बहा बहा कर अपनी जिंदगी की मुश्किलों को झेल रहा हूँ। विलास लिलीपुट को अपने जीवन के बारे में बताने लगा। मेरा नाम विलास है, मेरी पत्नी का नाम राधा है, मेरे बेटे का नाम सुंदर और बेटी का नाम मीनाक्षी। मैं यहाँ मिलने वाले बांस को काटता था और काटकर शहर में बेच देता था। इस तरह मैं अपनी आजीविका कमा रहा था। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद थोड़ी सी जो रकम बचती थी तो उस पैसे से मैं अपने बच्चों को जैतरा स्कूल भेजता था। वे अच्छा पढ़ते, बच्चे भी अच्छे से पढ़ते, उनके रिपोर्ट कार्ड्स पर हमेशा अच्छे अंक होते देख मैं बड़ी खुशी से अपने हस्ताक्षर करता था। लेकिन फिर दुर्भाग्य शुरू हुआ और आकर जैसे मेरे सिर पर ही बैठ गया। किसी ने भी बांस खरीदना बंद कर दिया, मुंह से पुकार पुकार कर और लगातार चलने से मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया, लेकिन किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई और ना ही कुछ बांस खरीदे। इसलिए मेरे पास फूडी कौड़ी नहीं बची। मैं दूसरी जगह काम करने लगा, लेकिन वहाँ पैसा बड़ा कम था, स्कूल की फीस नहीं दे सका, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। अब हमारे खाने तक के लाले पड़ गए हैं। मुझसे अपने परिवार की हालत नहीं देखी जा रही, इसलिए यहाँ मरने के लिए आ गया था। बहुत बुरी हालत में, क्या सुनोगे मेरे बारे में? तुम्हारी जिंदगी बहुत तकलीफ देह है भाई। तभी अचानक गरज, बिजली और बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए विलास और लिलीपुट दोनों एक ही पेड़ के नीचे दौड़ पड़े। अचानक बिजली गिरी और लिलीपुट वाले उस पेड़ को जला दिया। जलते हुए पेड़ को देख लिलीपुट उदास हो गया। अब मैं कहाँ रहूँ? हर बार जब बारिश होती है मुझे एक नया घर ढूंढना पड़ता है। उदास मत हो तनरंग, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बांस का घर, चिंता मत करो। ऐसा कहकर बारिश बंद हो जाने के बाद वो बांस के पेड़ों के पास गया और लिलीपुट के लिए घर बनाने के लिए जितने भी आवश्यक थे काट लिए। तो उसने इस तरह लिलीपुट के लिए एक अच्छा सा घर बना दिया। ये देखकर कि विलास के पास अच्छी प्रतिभा और कारीगरी है और उसे ऐसा घर बना कर दिया जिसमें वो आराम से रह सकता है, तारीफ करने के बाद उसने विलास को कुछ पैसा दिया। विलास उस पैसे को पाकर खुश हो गया। वो अपनी पत्नी और बच्चियों के पास लौट गया। फिर उन्होंने घर की जरूरत का सामान खरीदा। तब से विलास ने बांस के घर बनाने ही शुरू कर दिए।